हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। दिस इज दिलीप हेयर एंड वेलकम टू माय चैनल ऑन सिक्योर एकेडमी। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑल द थिंग दैट वी हैव टू डिस्कस। सो वी हैव टू डिस्कस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वृद्धि क्या होती है, विकास क्या होती है, आज हम इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ज़्यादा समय व्यस्त ना करते हुए हम सीधा पॉइंट पर चलते हैं कि वृद्धि क्या होती है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जैसा कि हम जानते हैं, ग्रोथ को वृद्धि कहते हैं या अभिवृद्धि कहते हैं और डेवलपमेंट को विकास कहते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि वृद्धि क्या होती है। वृद्धि का अर्थ शारीरिक वृद्धि से है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, वैसे वैसे उनके शरीर के अंग बढ़ते जाते हैं। अर्थात वृद्धि से तात्पर्य बच्चे के विभिन्न अंगों का विकास तथा अंगों के कार्य करने की क्षमता से है, जिसे मापा व तौला जा सकता है। जिसे लंबाई, चौड़ाई व भार। लंबाई को हम माप सकते हैं सेंटीमीटर में जो भी आएगा। चौड़ाई तथा भार, भार को भी हम माप सकते हैं कि 10 किलोग्राम है, कि 5 किलोग्राम है, कि 15 किलोग्राम है, कि 20 किलोग्राम है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। अर्थात वृद्धि का जो तात्पर्य होता है, वृद्धि का सिर्फ और सिर्फ तात्पर्य शारीरिक पहलू से, और कुछ भी नहीं है वृद्धि इसके सिवा। वृद्धि का तात्पर्य जो होता है सिर्फ और सिर्फ शारीरिक पहलू से। जैसे किसी व्यक्ति के, किसी बालक के अंग में बढ़ोतरी हो रही है, किसी के भार में बढ़ोतरी हो रही है, ये क्या है, ये वृद्धि है ना, जो दृष्टिगत है, जिसे हम सामान्य आंखों से देख सकते हैं, वही वृद्धि कहलाती है। और वृद्धि इसके सिवा कुछ भी नहीं है। वृद्धि का तात्पर्य शारीरिक पहलू से है। अर्थात क्या होता है, शारीरिक पहलू से, जैसे हम क्या होते हैं, हमारी लंबाई बढ़ती है, हमारी चौड़ाई बढ़ती है, तो हमारी भार बढ़ती है। इसी को हम क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। फ्रैंक का क्या कहना है, फ्रैंक का कहना है कि शरीर के किसी विशेष पक्ष में जो परिवर्तन आता है उसे वृद्धि कहते हैं। मतलब इनका कहने का है कि किसी शरीर के किसी विशेष पक्ष में जो परिवर्तन आता है उसे ही हम वृद्धि कहते हैं। अर्थात शरीर के जो विशेष पक्ष होता है, जैसे लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई तथा भार हो गया, इनमें जो परिवर्तन आता है उसी को वृद्धि कहते हैं। अर्थात ये हमें दिखाई देती हैं। वृद्धि का तात्पर्य कहने का मतलब है, जो वृद्धि होती है वो क्या होती है, दृष्टिगत होती है, अपने सामान्य आँखों से हम देख सकते हैं, लेकिन विकास को हम देख नहीं सकते हैं, क्योंकि विकास को केवल महसूस किया जा सकता है। विकास के कुछ पक्ष हैं जिसे दृष्टिगत होता है, जिसे हम वृद्धि कहते हैं, क्योंकि जो वृद्धि होती है विकास में ही समाहित होती है। तो इनका कहना था कि शरीर के किसी विशेष पक्ष में जो परिवर्तन आता है उसे वृद्धि कहते हैं। वृद्धि हम ऐसे समझ सकते हैं कि वृद्धि जो होती है वो दृष्टिगत होती है। अर्थात जो वस्तुएं मूर्त होती हैं उसी को हम वृद्धि कहते हैं। मूर्त वस्तु वही होंगी जो स्थान घेरती हैं उनका क्या, उनका भार होता है, और जिसका भार होता है उसे मापा या तौला जा सकता है, और जिसे मापा या तौला जा सकता है वो क्या होती हैं, वृद्धि होती हैं, जैसा कि आपने देखा है। दास का कहना है कि प्राणी में होने वाले ऐसे जैविक परिवर्तन को वृद्धि कहते हैं जिसका निरीक्षण किया जा सकता है। निरीक्षण मतलब अवलोकन करने का मतलब, जिसको अपने सामान्य आंखों से देख सकते हैं, जिसको बड़े ध्यान से देखकर किसी के ना किसी निष्कर्ष को निकालते हैं। जैसे क्या हो गया, ये हमारा मार्कर है, ये क्या है, मार्कर है, इसको अपनी सामान्य आंखों से देख सकते हैं। ये क्या है, स्थान घेरती है, इसमें भार भी होता है, और इसका मापन भी कर सकते हैं कि 2 सेंटीमीटर है क्या, 3 सेंटीमीटर है। जिसको हम देखते हैं, जो स्थान घेरती है, जिसका मापन किया जा सकता है, जिसमें भार होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। लेकिन विकास का जो तात्पर्य है, विकास का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति के आंतरिक व बाह्य अवयवों में जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ निश्चित प्रकार से परिवर्तन आते हैं, उसे क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। यानी कि जन्म से लेकर मृत्यु तक जो परिवर्तन आते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। ये विकास मात्रात्मक तथा गुणात्मक होता है। जो विकास होता है वह गुणात्मक भी होगा और मात्रात्मक भी होगा। गुणात्मक क्यों होता है, क्योंकि क्वालिटी में होता है, क्वालिटी में होगा जिसे हम देख नहीं सकते। जैसे हम कहते हैं आप बहुत ईमानदार हैं तो क्या उसको आप देख सकते हैं, क्या आप उसको छू सकते हैं, नहीं ना, सिर्फ आप उसको महसूस कर सकते हैं। तो क्या होगा, ये गुणात्मक होगा। मात्रात्मक क्यों है, क्योंकि मात्रा में होगा। मात्रात्मक क्या होगा, मात्रा में विकास क्यों होगा, क्योंकि वृद्धि होती है। जो हमारी जब हम जन्म लेते हैं तो क्या होता है, बालक जब जन्म लेता है तो बिस्तर पर पड़ा रहता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होती है, उसकी उम्र बढ़ती जाती है। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी वैसे उसके शारीरिक पक्षों में परिवर्तन होंगे। उसकी लंबाई बढ़ेगी, उसकी चौड़ाई बढ़ेगी, उसकी भार बढ़ेगी। तो जो लंबाई चौड़ाई बढ़ रही है वो क्या है, मात्रा में होगी, और मात्रा में जो होगी क्या होगी, उसको मापा या तोला जा सकता है। तो विकास गुणात्मक भी होता है और मात्रात्मक भी होगा, क्योंकि वृद्धि ही विकास में सम्मिलित है। उदाहरण के लिए समझ सकते हैं, जैसे बच्चे की वृद्धि के साथ साथ ही उनका मानसिक परिवर्तन भी होता है। बच्चे की वृद्धि के साथ ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे बालक जन्म लेता है वो क्या होता है, बिस्तर पर लेटा रहता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होती है, उसकी उम्र बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसके अंग बढ़ते जाते हैं,
और जैसे जैसे उसके अंग बढ़ते जाते हैं तो उसका मानसिक परिवर्तन भी होता है। अर्थात जब व्यक्ति बड़ा होता रहता है जब बालक, तो उसमें क्या होगा, उसमें समझदारी आएगी, उसमें बुद्धि आएगी, उसकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। वह पहले बालक कुछ भी वजन नहीं उठा पा रहा था क्योंकि शैशव अवस्था में था, लेकिन जब वह बाल्यावस्था में पहुँचा तो 2-4 किलो वजन भी उठाने लगा। तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे उसकी वृद्धि होगी, वृद्धि के साथ साथ उसका मानसिक परिवर्तन भी होगा, अर्थात उसमें समझदारी आएगी, उसमें बुद्धि आएगी, उसमें ज्ञान भी आएगा, उसमें क्या होगा, मानसिक प्रक्रियाएं बढ़ना प्रारंभ हो जाएंगी। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। आगे समझते हैं वृद्धि और विकास को क्या होता है। जैसा कि हम बात कर रहे थे विकास की, विकास डेवलपमेंट मीन्स विकास। विकास क्या होता है, कहाँ से कहाँ तक जाता है, उम्ब टू टोम्ब, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी। विकास उम्ब टू टूम्ब जाता है, कहने का मतलब विकास जो होता है वह कब गर्भ से लेकर कब्र तक जाता है, कहां से, मां के गर्भ से लेकर कब्र तक जाता है। और ये डिपेंडेंसी निर्भरता से स्वायत्तता तक जाता है। बालक का जो विकास स्टार्ट होता है वह जन्म से नहीं बल्कि गर्भ से ही प्रारंभ हो जाता है विकास, क्योंकि उसमें मांसपेशियां बननी प्रारंभ हो जाती हैं, उसमें बाल आना प्रारंभ हो जाते हैं, उसके त्वचा का विकास हो जाता है। इस सब का विकास कहाँ होता है, गर्भावस्था में ही हो जाता है। तो विकास जो होता है वो गर्भ से लेकर कब्र तक जाता है, जब तक व्यक्ति मर नहीं जाता है तब तक उसका विकास चलता रहता है। अर्थात जो व्यक्ति होता है, बालक होता है, वह जन्म से उसका विकास प्रारंभ होता है और मृत्यु तक चलता है। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है उसे वैसे उसके अनुभव बढ़ते जाते हैं, जैसे उसके वैसे उसके ज्ञान बढ़ते जाते हैं। तो क्या है, विकास ही है ना, जो जन्म से लेकर कहाँ तक चल रही, गर्भ से लेकर कब्र तक जा रही है। दूसरी बात, गर्भ जो विकास होता है वह निर्भरता से स्वायत्तता की हो जाता है, निर्भरता से। इस बात से एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि जब बालक का जन्म होता है तो क्या होता है, बिस्तर पर लेटा रहता है, वह भोजन के लिए अर्थात दूध के लिए दूसरे पर डिपेंड रहता है, ना तो उसके खुद के पहनने के लिए कपड़े हैं, ना तो खुद से भोजन कर सकता है और ना ही खुद से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अर्थात वह अपनी छोटी सी जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। तो विकास क्या होते हैं, निर्भरता से किस पे जाती है, स्वायत्तता की ओर। लेकिन बालक की जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उसके अंगों में विकास होते हैं, उसके वैसे उसके शरीर में कार्य करने की क्षमता का विकास होता है, वैसे वैसे उसके मानसिक शक्तियों का विकास होता है। और जब बालक बाल्यावस्था में पहुँचता है तो वह खुद से खाना खाना प्रारंभ कर देता है, खुद से कपड़े भी पहनना प्रारंभ कर देता है, खुद से क्या करता है, जूते के फीते बांधना प्रारंभ कर देता है, खुद से अपना बैग तैयार करना प्रारंभ कर देता है, और खुद से क्या करता है, विद्यालय जाना प्रारंभ कर देता है। ये क्या है, निर्भरता ही तो है, सॉरी ये क्या है, स्वायत्तता तो है ना, आत्मनिर्भर हो रहा है ना बालक। पहले क्या था, पहले अपने भोजन के लिए भी माँ पे निर्भर था, कपड़े अगर गिलने हैं तो कपड़े चेंज करने के लिए माँ पे निर्भर था, और अपनी छोटी छोटी सी जरूरतों को पूरा करने के लिए किस पर निर्भर था, अपनी माँ पे निर्भर था या फैमिली के किसी मेंबर पर निर्भर था। लेकिन जैसे जैसे बालक की वृद्धि हुई, जब बालक यहाँ पे शैशवावस्था में बालक था तो शैशवावस्था में बालक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसके योग्य नहीं था, उसके मांसपेशियों का बराबर विकास नहीं होता, उसके अंदर में मानसिक शक्तियों का विकास नहीं होता, इसलिए किस पर निर्भर था, दूसरों पर निर्भर था। लेकिन जैसे जैसे वह क्या, जैसे उसकी उसकी उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे क्या, उसमें आत्मनिर्भरता आई, वह स्वायत्तता की ओर बढ़ना प्रारंभ कर दिया। इज दैट क्लियर। आइए हम इसे एक एग्जांपल से समझ सकते हैं और अच्छी तरह से।
हरलॉक के अनुसार, हरलॉक का क्या कहना था, कर्मिक, सॉरी जिसे हम ऑर्डर कहते हैं, कर्मिक तथा संगत जिसे हम कोहरेंट करते हैं, सॉरी कोहरेंट, जस्ट मिनट, कर्मिक संगत परिवर्तनों की उत्तरोत्तर मीन्स प्रोग्रेसिव, हरलॉक का कहना था कि कर्मिक संगत परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला को विकास कहते हैं। तीन कीवर्ड याद करना, कर्मिक संगत तथा परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला को क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। ये ऐसे कीवर्ड हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए। इनके अनुसार जो था बालक में क्या दृष्टिगत कब होगा विकास, जब आकार में परिवर्तन, दूसरा अनुपात में परिवर्तन, तीसरा पुराने लक्षणों का लोप, फोर्थ पॉइंट इज दैट नए लक्षणों का उत्पन्न होना या प्रकट होना। श्रीमती हरलॉक का कहना था, एलिजाबेथ हरलॉक का कहना था, विकास जो होता है वो क्रम में होता है, क्रमिक संगत परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला को विकास कहते हैं। विकास जो क्रम में होता है, ऐसा नहीं होता है विकास आज आप रात को जन्म लिए कल आप क्या हो गए, अपने आप अचानक बड़े हो गए, ऐसा नहीं हो सकता। विकास जो होगा एक क्रम में होगा और संगत होगा, जो सरल होगा, जो दृष्टिगत होगा, तथा परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला होती है, कंटिन्यूअस होता है, प्रोग्रेसिव होता है, लगातार होता है, विकास कभी रुकता नहीं है। ये विकास कभी अचानक नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि बालक आज जन्म हुआ और कल सुबह उठता है और पड़ोसी के बच्चे के साथ बोलता है चल आजा मार्केट चलते हैं, कुछ शॉपिंग वॉपिंग करके आते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। उसको ऐसा करने के लिए एक पूरा समय जाएगा, एक कंटिन्यू प्रोसेस होगा, उसके बाद ही वह ऐसा कर पाएगा। अर्थात जब बालक का जन्म होता है तो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, बिस्तर पर लेटा रहता है और धीरे धीरे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उसके शरीर के अंगों का विकास होता है और धीरे धीरे क्या होता है वो अपनी युवावस्था को प्राप्त करता है। देखो जब बालक का जन्म होता है तो क्या होता है, जब बालक का जन्म होता है तो क्या करता है, बिस्तर पर लेटा रहता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है तो क्या होता है उसके अंगों का विकास होता है, फिर बालक उठना अपने सर को उठाना प्रारंभ करता है, सर को उठाने के बाद फिर क्या होता है वह करवटे लेना पसंद प्रारंभ करता है, करवटे लेने के बाद क्या करता है बैठना सीखता है, बैठने के बाद क्या करता है धीरे धीरे किसी वस्तु के सहारे खड़ा होना प्रारंभ करता है और धीरे धीरे किसी उसके बाद क्या करता है धीरे धीरे चलना प्रारंभ करता है। ये सारी प्रक्रिया होने के बाद ही बालक क्या करता है चलना अच्छी तरह से बिना सहारे चलना प्रारंभ करता है। इसमें क्या होता है एक ऑर्डर होता है, एक सीक्वेंस होता है जिसके बाद बालक क्या करता है चलना प्रारंभ करता है। ऐसा नहीं बालक आज जन्म लिया कल सुबह उठ के चलना प्रारंभ कर देगा, बालक में कभी रैंडम चेंजेस नहीं आते हैं, ध्यान रखना। जो परिवर्तन होते हैं वो क्या होते हैं एक क्रम में होते हैं और संगत होते हैं, जो सरल होते हैं, दृष्टिगत होते हैं और परिवर्तन की उत्तरोत्तर श्रृंखला होती है, एक चेन होती है, एक क्रम होता है जिसके अनुसार बालक का क्या होता है विकास होता है। इन्होंने बताया विकास दृष्टिगत कब होगा,
जब आकार में परिवर्तन होगा। विकास दृष्टिगत कब होगा? जब अनुपात में परिवर्तन होगा। विकास दृष्टिगत तब भी होगा जब पुराने लक्षणों का लोप होगा, और विकास दृष्टिगत तब भी होगा जब नए लक्षणों का प्रकट होना या उत्पन्न होंगे। आकार में परिवर्तन होगा, कैसे होगा आकार में परिवर्तन? बालक जब जन्म लेता है तो बिस्तर पर लेटा रहता है, लेकिन धीरे धीरे जब उसकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उसके अंग विकसित होते हैं, वैसे उसकी लंबाई बढ़ती है, वैसे वैसे उसके भार बढ़ते हैं, और वैसे वैसे उसके होते हैं उसकी चौड़ाई बढ़ती है। ये क्या है? आकार में परिवर्तन है, जिसे आप अपने सामान्य आँखों से देख सकते हैं, जिसे आप दृष्टिगत होता है, जिसे आप देख सकते हैं। तो जब विकास में आकार में परिवर्तन हुआ तब भी आपने देखा, तो क्या हुआ? आकार में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन। अनुपात में परिवर्तन, जब बालक ने जन्म लिया तो उसकी लंबाई उसके कंधों की लंबाई और सर की लंबाई में जो अनुपात था वो कम था, लेकिन जब बालक ही बड़ा हुआ किशोरावस्था में पहुंचता है तो उसके पैर से सर की लंबाई में अनुपात में वृद्धि हुई, उसके कंधों से सर की लंबाई के अनुपात में वृद्धि हुई। तो विकास दृष्टिगत कब हुआ? जब उसके अनुपात में परिवर्तन हुआ। पुराने लक्षणों का लोप होगा तो भी विकास दृष्टिगत होगा। पुराने लक्षणों का कहने का मतलब, जब बाल शैशवावस्था में था तो उसकी आवाज़ क्या थी? पतली थी, लेकिन जब किशोरावस्था में पहुँचता है उसकी आवाज़ भारी हो जाती है। पुराने लक्षणों का लोप होगा, बालक पहले चलना नहीं सीखता था, पहले सिर्फ लेटा था, लेकिन बालक धीरे धीरे जैसे उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे उसका अंगों का विकास हुआ और क्या, बालक चलना प्रारंभ कर दिया। बालक पहले घुटनों के बल चलता था, लेकिन आज बालक चल रहा है, दौड़ रहा है। तो क्या हुआ? पुराने का लक्षणों का लोप, ये पुराने लक्षण ही तो थे जो लोप हुए और उसके बाद विकास दृष्टिगत हुआ। नए लक्षणों का प्रकट होना, नए लक्षणों का प्रकट होने का मतलब, मान लो कोई प्रायोरिटी स्ट्राइक हुई तो क्या होता है? जैसे जब बालक में प्रायोरिटी स्ट्राइक हुई तो उसकी आवाज़ पहले उसकी पतली थी, अब उसकी आवाज़ में भारीपन आ गया, उसमें मोच आ गए, उसमें दाढ़ियाँ आ गई। इसी तरह स्त्रियों में भी परिवर्तन होते हैं, उनमें क्या होता है? उनकी आवाज़ जो भारी थी तो धीरे धीरे उनकी आवाज़ पतली हुई, और उसमें क्या हुआ, उसके ब्रिस्ट में भी उभार आता है, और उसमें धीरे धीरे और सारे चेंजेस आते हैं। तो क्या हुआ? विकास दृष्टिगत कब हुआ? जब नए लक्षणों का प्रकट हुआ या जो नए लक्षण उत्पन्न हुए। तो हरला का कहना था, विकास जो होता है वो आकार में परिवर्तन होता है, अनुपात में परिवर्तन है, पुराने लक्षणों का लोप होता है, और नए लक्षणों का प्रकट होना तो ही विकास। विकास दृष्टिगत कब होगा? जब आकार में परिवर्तन होगा। विकास दृष्टिगत तब भी होगा जब अनुपात में परिवर्तन होगा, और विकास दृष्टिगत तब भी होगा जब उसके पुराने लक्षणों का लोप होगा, और विकास दृष्टिगत तब भी होगा जब नए लक्षण उत्पन्न होंगे। विकास तब भी दृष्टिगत होगा। ओके, इज दैट क्लियर? तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। हम देखते हैं वृद्धि और विकास में अंतर। अंतर एक साइड में हम लिख रहे हैं वृद्धि, और एक साइड में विकास। वृद्धि विकास, पहले हम वृद्धि और विकास को आसानी से भाषा में समझ सकते हैं, पहले हम इसको समझते हैं। अर्थात वृद्धि क्या होती है? वृद्धि क्या होती है? जिस वस्तु को हम सी देख सकते हैं, देखना। विकास को केवल फील किया जा सकता है, अर्थात महसूस करना। ठीक, अब देखना जो होगा वह तो हमारी हाइट होगी या वेट, दो चीज को लेते हैं। अब जिस चीज को हम देख सकते हैं, जिस चीज को माप सकते हैं, हाइट हमारी लंबाई, वेट हमारा भार, इसको हम देख सकते हैं। और जिस वस्तु को हम देख सकते हैं, देखना, जिस वस्तु को हम देख सकते हैं वो क्या होगी? वो क्वांटिटी में होगी। किस में जाएगी? क्वांटिटी में क्यों जाएगी? क्योंकि ये विकास जो सॉरी वृद्धि है, इसकी क्या होगी? हाइट हमारी लंबाई और वेट भार, दोनों को हम देख सकते हैं, उसको मेजरमेंट किया जा सकता है, जिसको मापा जा सकता है वो किस में जाएगा? क्वांटिटी में जाएगा। अर्थात जो क्वांटिटी में जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो क्वांटिटिव हो जाएगा, क्वांटिटिव। विकास जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है, जिसको महसूस किया जा सकता है उसको हम क्या कह सकते हैं? क्वालिटी में जाएगा। और क्वालिटी होने के साथ क्या होगा? क्वालिटेटिव हो जाएगा,
क्वालिटेटिव और इसके साथ में क्वांटिटी भी आ जाएगी, क्वांटिटिव। ये क्वालिटेटिव भी होगा, क्वांटिटिव भी होगा, क्योंकि जो वृद्धि होती है वो विकास में समाहित होती है, लेकिन विकास वृद्धि में समाहित नहीं होगी। वृद्धि जो है विकास का एक पार्ट होता है, एक भाग होता है, लेकिन जो विकास होता है वो वृद्धि का भाग नहीं होता है। इसको हम आज ये थोड़ा पॉइंट की तरीके से समझ सकते हैं, कुछ पॉइंट इसमें देख लेते हैं, अंतर देख लेते हैं। विकास का जो अर्थ होता है, वृद्धि का जो अर्थ होता है वो संकीर्ण होता है, संकीर्ण अर्थ। विकास का जो अर्थ होगा वो व्यापक होगा, व्यापक अर्थों में। वृद्धि का तात्पर्य केवल शारीरिक पहलू से है, विकास का अर्थ का तात्पर्य शारीरिक मानसिक संवेगात्मक नैतिक तथा सामाजिक पहलू से है। सामाजिक पहलू से है। तीसरा पॉइंट जो हम देखते हैं, वृद्धि को क्या किया जा सकता है, मापा जा सकता है, पॉइंट नंबर थ्री। विकास में जो होगा, विकास का केवल अनुमान लगाया जा सकता है, फोर पॉइंट। वृद्धि जो होती है यह निश्चित समय के बाद रुक जाती है, विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। वो फाइव पॉइंट क्या है, वृद्धि का तात्पर्य अंगों के विकास से है, विकास का तात्पर्य कार्य क्षमता से है। सिक्स पॉइंट हम देखते हैं, यह एक दिशीय होता है, एक ही दिशा में होता है, और विकास जो होता है बहुदिशीय होता है। आइए इस पॉइंट को जरा हम समझते हैं। विकास संकीर्ण अर्थ होता है, इसका व्यापक अर्थ होता है। संकीर्ण अर्थ क्यों होता है, क्योंकि विकास सॉरी वृद्धि जो होती है वह एक अपने ही आप में क्या है, एक निश्चित होती है, एक छोटे टर्म्स में यूज होती है, इसलिए इसका अर्थ जो होता है संकीर्ण होता है। विकास जो होता है व्यापक अर्थ में होता है। आइए इसे समझते हैं। जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट
डेवलपमेंट, और दूसरी चीज़ हम वृद्धि को देखते हैं जिसे हम ग्रोथ कहते हैं। ग्रोथ वर्ड से ही समझ सकते हैं, डेवलपमेंट इतना बड़ा शब्द है, ग्रोथ छोटा शब्द है। अब डेवलपमेंट को हम समझते हैं, इसको हम लिखते हैं, एक बड़ा ग्लास मान लेते हैं, एक बड़ा ग्लास है, बड़ा ग्लास, ग्रोथ छोटा है इसलिए इसको आकार भी छोटा होगा, छोटा ग्लास है। अब आप अनुमान लगाइए, देखिए एक गिलास इसमें आएगा या एक गिलास इसमें आएगा, बड़ा ग्लास कौन है? ये जिसे हम डेवलपमेंट कहते हैं, इसको एक ग्लास से संबंधित करके समझते हैं। डेवलपमेंट एक ग्लास है बड़ा वाला, ग्रोथ एक छोटा वाला ग्लास है। अब ये ग्लास जो है इसके अंदर में फिट हो जाएगा, इसलिए जो वृद्धि है वो इसमें निहित है, अर्थात इसमें समाहित है। तो वृद्धि जो होगी इसमें समाहित हो जाएगी, विकास में जो होगा वो क्या होगा, वृद्धि सम्मिलित होगी, लेकिन जो वृद्धि है जो विकास है वो वृद्धि में सम्मिलित नहीं होगी। इसी प्रकार हम समझते हैं जो वृद्धि का तात्पर्य है केवल शारीरिक पहलू से है, सिर्फ और सिर्फ शारीरिक पहलू से। मगर कहने का अर्थ समझिए कि जो वृद्धि होती है उसका तात्पर्य सिर्फ और सिर्फ शारीरिक पहलू से, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। शारीरिक पहलू मतलब उसके शरीर के अंगों में वृद्धि होगी, जैसे लंबाई चौड़ाई या भार। लेकिन जो विकास का तात्पर्य है उसके शारीरिक मानसिक संवेगात्मक नैतिक सामाजिक पहलू से है। विकास चारों दिशाओं में होगा। अगर बालक का विकास हो रहा है तो उसके शरीर में वृद्धि होगी, अर्थात उसकी लंबाई चौड़ाई में वृद्धि होगी या भार में वृद्धि होगी। मानसिक विकास होगा, मानसिक विकास का मतलब उसकी बुद्धि बढ़ेगी, उसकी तर्क क्षमता करने की क्षमता, उसके बोध बढ़ेंगे, उसकी स्मृति बढ़ेगी, उसकी चिंतन बढ़ेगा। मानसिक में संवेगात्मक उसके संवेगों का विकास भी होगा, क्योंकि बालक में जो संवेग होते हैं वो धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। जन्म के समय बालक में कुछ भी संवेग नहीं पाए जाते हैं, सिर्फ उनमें जनरल एक्साइटमेंट होता है जिसे सामान्य उत्तेजना कहते हैं। लेकिन जैसे जैसे बालक की उम्र बढ़ती जाती है, अर्थात बालक जब 2 वर्ष की आयु तक उसमें सभी संवेग विकसित हो जाते हैं। बालक में सिर्फ क्या होता है, पहले जनरल एक्साइटमेंट जिसे सामान्य उत्तेजना कहते हैं, सामान्य उत्तेजना जैसे बालक रोता है उसे सामान्य उत्तेजना कहते हैं, सिर्फ चिल्लाएगा। आप देखिए जब बालक का जन्म होता है तो आप उसे 4-5 दिन बाद जाके मिलिए तो बालक सिर्फ आपको रोता हुआ मिलेगा, और कुछ भी ना तो उसे क्रोध कर पाएगा, ना तो हंस पाएगा, ना तो और कोई संवेगों का अभिव्यक्त कर पाएगा, सिर्फ और सिर्फ आपको रोता हुआ मिलेगा। लेकिन आप उसी बालक के पास 2 वर्ष की अवस्था तक अगर आप जाते हैं, 2 वर्ष की उम्र में पहुँचते हैं, तो बालक हंसता भी है, बालक रोता भी है, बालक क्रोध भी करता है, बालक और भी संवेगों की अभिव्यक्ति करता है। तो क्या होता है, बालक में संवेगों का विकास भी हो जाता है। नैतिक विकास का मतलब बालक में नैतिक विकास तो नहीं आता उस टाइम पे, लेकिन नैतिकता का प्रारंभ होता है, बालक में नैतिक विकास का प्रारंभ होता है। सामाजिक विकास इसका भी प्रारंभ हो जाता है धीरे धीरे। सामाजिकता कब आती है, बालक जब अपनी माँ को देखकर 3 महीने में पहली बार मुस्कुराता है, ये समाजीकरण का पहला चिन्ह होता है। हम नहीं कह रहे कि बालक इस अवस्था में सामाजिक होता है, बालक सामाजिक नहीं होता है, ना तो बालक नैतिक होता है। बालक में इस अवस्था में अनैतिकता होती है, असामाजिक होता है, लेकिन समाजीकरण प्रारंभ हो जाता है शैशव अवस्था से ही, क्योंकि जब बालक अपनी माँ को देखकर 3 महीने में मुस्कुराता है वो समाजीकरण का पहला चिन्ह होता है। वृद्धि को मापा जा सकता है, क्यों नहीं माप सकते, हमारी लंबाई हो गई, हमारा भार हो गया, इसको माप सकते हैं आसानी से। किसी की मेरी लंबाई होगी 5 फुट 5 इंच 6 इंच जो भी है, आप आसानी से मेजर टेप लेके नाप सकते हो। भार है, किसी स्केल पर खड़े कर दो, किसी तराजू पे ले जाके बिठा दो, भार अपने आप माप उठेगा। लेकिन विकास का केवल अनुमान लगाया जा सकता है, वृद्धि का केवल माप सकते हैं क्योंकि लंबाई चौड़ाई का भार होता है, लेकिन विकास का अनुमान लगाया जा सकता है कि आखिर इस व्यक्ति का विकास कितना हुआ है। कहने का मतलब है बालक का जो लंबाई चौड़ाई से माप सकते हो, लेकिन किसी बालक को ये नहीं कह सकते हो ना कि आज तुम्हारा दिमाग 1 किलोग्राम बढ़ गया है। इसमें कह सकते हो कि आज तुम्हारा भार 1 किलोग्राम बढ़ गया है, लेकिन किसी बालक का दिमाग आज 1 किलोग्राम बढ़ गया इसको नहीं कह सकते हो आप। कहने का तात्पर्य समझिए, जो बालक की लंबाई है उसको माप सकते हो, इसका भार है उसको माप सकते हो, लेकिन किसी व्यक्ति का कितना दिमाग बढ़ गया है इसको आप माप नहीं सकते हो, सिर्फ आप अनुमान लगा सकते हो। ठीक, या निश्चित समय के बाद रुक जाती है। जी हाँ, ये कहाँ तक जाती है, परिपक्वता तक। जब बालक परिपक्व हो जाता है तब उसकी वृद्धि रुक जाती है, अर्थात जो बालक 18 वर्ष के बाद बालक 18 या 20 वर्ष जो भी होगा उसके बाद बालक का वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि यह निश्चित समय के बाद रुक जाती है। और जो विकास होता है जीवन पर्यंत चलता रहता है। हम अपने जीवन में नए नए व्यक्ति के साथ मिलते हैं और नए नए एक्सपीरियंस अनुभव मिलते हैं और नए नए ज्ञान की प्राप्त होती है। अर्थात जब
एक बालक वृद्धावस्था में पहुंच जाता है तो भी नए नए ज्ञान का अर्जन करता है, तो क्या है, विकास ही है ना। उसकी बुद्धि बढ़ती जाती है, उसकी कार्य क्षमता बढ़ती जाती है, उसके नए नए ज्ञान प्राप्त होते हैं, नए नए अनुभव प्राप्त होते जाते हैं वृद्धि अवस्था में भी। लेकिन जो वृद्धि होती है वो निश्चित समय के बाद रुक जाती है। भाई बहुत बड़े क्वेश्चन उठता है कि सर क्या जो बालक में बड़े हो जाते हैं उसकी वृद्धि क्यों नहीं बढ़ती है? बढ़ती है, कैसे बढ़ती है? क्योंकि बहुत लोग ने ऐसा क्वेश्चन किया है कि सर जो होता है वृद्धि वो हमारी भार, हमारा भार जो होता है हमारी बुढ़ापावस्था में बढ़ जाता है। हम जब 50 साल की उम्र पहुंचते हैं, 50 साठ की उम्र में हमारी वृद्धि बढ़ जाती है, हमारा भार बढ़ जाता है। क्या वृद्धि नहीं है? ये भी तो वृद्धि है ना, क्योंकि बालक का जो भार बढ़ रहा है ये भी वृद्धि के अंतर्गत है। क्वेश्चन तो सही है लेकिन ऐसा नहीं है, ये वृद्धि नहीं होती है, ये सिर्फ और सिर्फ फैट होता है जो कम या ज़्यादा होता है। क्योंकि वजन जो होता है वो व्यक्ति का कम और ज़्यादा दोनों होता है, ये सिर्फ और सिर्फ फैट है जो कम या ज़्यादा होता है, ये वृद्धि नहीं है। वृद्धि तो 18 साल के बाद रुक जाती है, ये बढ़ती नहीं है। विकास जीवन पर्यंत चलता है जैसा कि हमने बताया। वृद्धि का तात्पर्य अंगों के विकास से है, बिल्कुल वृद्धि का जो तात्पर्य किससे है, अंगों के विकास से है। जब बालक शैशवावस्था में रहता है तो छोटा रहता है, लेकिन जब वही बालक किशोरावस्था में पहुंचता है उसकी लंबाई बढ़ गई होती है, उसका उसका क्या होता है चौड़ाई बढ़ गई होती है, उसका भार बढ़ गया होता है। लेकिन विकास का तात्पर्य कार्य क्षमता से है, कार्य क्षमता कार्य करने की क्षमता से है। अब यहाँ पर विकास वृद्धि का अर्थ अंगों के विकास से है, लेकिन यहाँ पर विकास का तात्पर्य कार्य क्षमता से है। एक बालक जो शैशवावस्था में था, मान लो उसका भार हुआ 7.5 पाउंड था, ठीक, जब वो किशोरावस्था में पहुँचता है उसका भार 50 किलोग्राम हो गया, 50 किलोग्राम क्या हुआ, लंबाई 19.5 पॉइंट था सेंटीमीटर, लेकिन जब बालक यहाँ पे पहुँचता है तो क्या हो जाएगा इसका, इसकी लंबाई 5 फुट 6 इंच हो गई, ठीक। ये क्या है, वृद्धि है। इसके पहले बालक में 7.5 पॉइंट था, अब यहाँ पे 50 किलोग्राम इसका भार हो गया। पहले इसकी लंबाई 19.5 सेंटीमीटर थी, अब इसका लंबाई कितना, 5.6 फुट हो गया है। लेकिन इसका तात्पर्य क्या, कार्य क्षमता से। यहाँ पे बालक जो था इसकी अंग विकास हुए, लेकिन यहाँ पे बालक में कार्य करने की क्षमता का विकास हुआ। पहले बालक शैशवावस्था में था, वो कुछ भी वजन नहीं उठा पा रहा था, सिर्फ एक गुड्डे को उठा पा रहा था जो 10-5 ग्राम 20 ग्राम का जो भी होगा उस टाइम पे। लेकिन अब यही बालक में कार्य करने की क्षमता बढ़ गई। जब बालक किशोरावस्था में पहुँचा तो कार्य क्षमता ये 50 किलो वजन भी उठा सकता है, क्योंकि कार्य क्षमता में बढ़ोतरी हो रही है। वृद्धि का तात्पर्य क्या है, अंगों के विकास से है, उसकी लंबाई बढ़ी, उसकी चौड़ाई बढ़ी, उसकी भार बढ़ी। लेकिन विकास का तात्पर्य उसके कार्य करने की क्षमता से है, उसमें क्या हुआ, वो 50 किलो वजन भी उठा सकता है, ये कार्य करने की क्षमता आ रही है उसमें। उसका दिमाग बढ़ रहा है, लेकिन दिमाग को क्या माप नहीं सकते हो आप, किसी व्यक्ति का कितना दिमाग बढ़ा उसको आप मेजरमेंट नहीं कर सकते हो। यह एक दिशा होता है, बिल्कुल यह एक दिशा में होता है, सिर्फ और सिर्फ शारीरिक पहलू से संबंधित है, क्योंकि इसीलिए इसका विकास जो, इसका वृद्धि जो होगा वो एक दिशा में होगा। और विकास जो होता है बहुत दिशाओं में होगा, बहुत दिशाओं में क्या होगा, उसका शारीरिक विकास होगा, उसका मानसिक विकास होगा, उसका संवेगात्मक विकास होगा, उसका नैतिक विकास होगा, उसका सामाजिक विकास होगा। तो ये थे कुछ वृद्धि और विकास में अंतर, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। विकास जिसे हम कहते हैं डेवलपमेंट विकास, यह धनात्मक भी होता है तथा ऋणात्मक भी होता है। विकास पॉजिटिव होगा और निगेटिव भी होगा। पॉजिटिव क्यों होगा, निगेटिव क्यों होगा, आइए समझते हैं एकदम सरल एग्जांपल से। मान लो जब हमारा जन्म हुआ तो हम इस तरह से लेटे हुए थे, धीरे धीरे हमने खड़ा होना सीखा, ठीक, धीरे धीरे हमने चलना सीखा और बड़ा हुआ, हमारी और उम्र बढ़ती गई, और उम्र बढ़ती गई, ठीक। फिर क्या हुआ, एक अवस्था आती है जब हम बूढ़े हो जाते हैं, हम झुक जाते हैं, क्लियर। जब हमारा जन्म हुआ तब हम बिस्तर पर लेटे हुए थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे उम्र बढ़ती गई हमारा विकास होता गया, हमारे अंगों में वृद्धि हुई, हमारी लंबाई बढ़ी, हमारी चौड़ाई बढ़ी, हमारी भार बढ़ी। अब हम जब बालक
बाल्यावस्था में पहुंचा, किशोरावस्था में पहुंचा और वयस्कावस्था में पहुंचा और आगे जो उसकी अवस्था हुई उसमें पहुंचा और लंबा हुआ, और एक अवस्था आई जब बालक बुढ़ा हो गया, वृद्धावस्था में पहुंचा, वो झुक गया। अब समझते हैं कि धनात्मक कैसे होता है। देखो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसके ज्ञान बढ़ा, क्या हुआ? धनात्मक, पॉजिटिव। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसका अनुभव बढ़ा, क्या हुआ? धनात्मक, पॉजिटिव। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसकी आयु बढ़ी, क्या हुआ? धनात्मक, पॉजिटिव। लेकिन यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसके कार्य करने की क्षमता में कमी आई। एक समय तक तो यहाँ तक ये बढ़ती गई जब वह वयस्कावस्था में पहुँचा, लेकिन एक समय आया जब यहाँ से वृद्धावस्था में पहुँचा उसके कार्य करने की क्षमता में कमी आई, उसके श्रम करने की क्षमता में कमी आई, क्या हुआ? निगेटिव, माइनस। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसके कौशल कम हुए, क्या हुआ? निगेटिव, माइनस। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसकी उसकी स्मृति कम हुई, मेमोरी, उसकी याददाश्त कम हुई, क्या हुआ? माइनस, निगेटिव। आपने अपने घरों में अपने बूढ़े बुजुर्गों को देखा होगा, उनकी मेमोरी खत्म हो जाती है धीरे धीरे, उसकी याददाश्त कम हो जाती है। जैसे आप कोई पड़ोस का कोई बालक हुआ, गांव का आया, मिला, दादाजी कैसे हो, हाँ ठीक है ठीक है, उसको पहचाना, लेकिन दूसरे दिन या तीसरे दिन वो बालक फिर वापस आता है, दादाजी पहचान रहे हो, नहीं भैया नहीं पहचान रहे हैं, क्या हुआ? उसकी मेमोरी कमी आई ना, उसकी याददाश्त कम हुई ना, इसलिए नहीं पहचान रहा है। तो विकास जो होता है वो धनात्मक भी होता है और विकास ऋणात्मक भी होता है। आइए देखते हैं डेवलपमेंट के प्रकार, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के प्रकार, विकास के प्रकार, विकास कितने प्रकार का होता है? फिजिकल डेवलपमेंट, दूसरा कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तीसरा लैंग्वेज डेवलपमेंट, चौथा जो हुआ सोशल डेवलपमेंट, पांचवा पॉइंट मोरल डेवलपमेंट, सिक्स इमोशनल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट जिसे हम कहते हैं शारीरिक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जिसे हम कहते हैं संज्ञानात्मक विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट जिसे हम कहते हैं भाषाई विकास, सोशल डेवलपमेंट जिसे हम कहते हैं सामाजिक विकास, मॉरल डेवलपमेंट जिसे हम कहते हैं नैतिक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट जिसे हम कहते हैं भावात्मक या संवेगी विकास। ये कुछ छह प्रकार के हमने विकास के प्रकार देखे। ये जो विकास के प्रकार हैं जिसे हम पहला फिजिकल डेवलपमेंट जिसे हम शारीरिक विकास कहते हैं, दूसरा हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट जिसे संज्ञानात्मक विकास कहते हैं, तीसरा हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट जिसे हम भाषाई विकास कहते हैं, चौथा जो सोशल डेवलपमेंट जिसे हम सामाजिक विकास कहते हैं, पाँचवा जिस मॉरल डेवलपमेंट जिसे हम नैतिक विकास कहते हैं, छठवां जो है इमोशनल डेवलपमेंट जिसे हम भावात्मक विकास कहते हैं। हालांकि जो विकास होता है कुछ तीन ही प्रकार के होते हैं जिसे NCERT मानती है, जो होता है फिजिकल डेवलपमेंट, दूसरा कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तीसरा सोशल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? फिजिकल डेवलपमेंट के अंतर्गत
शारीरिक विकास आ जाता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत वो क्या आ जाएगा, लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये भाषा का विकास इसी संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आ जाएगा। और सामाजिक विकास के अंतर्गत जो होगा वो हमारा नैतिक विकास आ जाएगा और भावात्मक विकास आ जाएगा, ये इसके अंतर्गत आ जाएंगे। ओके, तो आ जाइए हम समझते हैं कि फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है। शारीरिक विकास समझते हैं। शारीरिक विकास का मतलब इसका तात्पर्य जो होता है सिर्फ और सिर्फ शारीरिक पहलू से है। शारीरिक इस अवस्था में बालक में हड्डियों का विकास, हड्डियों का विकास मतलब मजबूती आएगी, मांसपेशियों में भी मजबूती आएगी। और यह कितने प्रकार का होता है, यह दो प्रकार का होता है। यह कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है जिसे हम ग्रास मोटर स्किल कहते हैं, स्किल, दूसरा फाइन मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल। ग्रॉस मोटर स्किल को हम क्या कहते हैं, स्थूल गतिक कौशल। फाइन मोटर स्किल को क्या कहते हैं हम, सूक्ष्म गतिक कौशल। स्थूल गतिक कौशल में क्या आ जाएगा, चलना, खड़ा होना, बैठना, किसके अंतर्गत आ जाएगा, स्थूल गतिक कौशल के अंतर्गत। सूक्ष्म गतिक कौशल अंतर्गत क्या आ जाएगा, लिखना, लिखना आ गया, ड्राइंग करना, चित्र बनाना, इसके अंतर्गत आ जाएगा। ग्रॉस मोटर स्किल को हम समझते हैं क्या होता है, ग्रॉस मोटर स्किल जिस कार्य को करने के लिए हमारे बड़ी मांसपेशियों का उपयोग होता है उसे हम क्या कहते हैं, ग्रॉस मोटर स्किल। जैसे हम दौड़ रहे हैं, तो हमारे पैर का प्रयोग हो रहा है, ये क्या है, बड़ी मांसपेशियाँ हैं, ये क्या है, बड़ी मांसपेशियाँ हैं। हम बॉलिंग कर रहे हैं, बॉलिंग करते समय ये पूरा हाथ का कार्य हो रहा है, बड़ी मांसपेशियों का कार्य हो रहा है। हम सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं, सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए हमारे पैर का प्रयोग हो रहा है, तो बड़ी मांसपेशियाँ, ये शरीर की बड़ी मांसपेशियाँ हैं। जिस कार्य को करने के लिए शरीर की बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग होता है, उपयोग होता है, उसे ग्रॉस मोटर स्किल कहते हैं। जैसे चलना, खड़ा होना, बैठना, दौड़ के दौड़ना और सीढ़ियों पर चढ़ना, ये क्या है, बड़ी मांसपेशियों का कार्य हो रहा है। लेकिन फाइन मोटर स्किल जिसे हम सूक्ष्म गतिक कौशल कहते हैं उसके अंतर्गत लिखना, ड्राइंग करना, चित्र बनाना, स्वेटर बुनना, जूते की फीते बांधना या शर्ट की बटन बंद करना, ये क्या कहलाएगा, सूक्ष्म गतिक कौशल। सूक्ष्म गतिक कौशल क्यों कहलाएगा, ये पेन है, अब हम इससे लिख रहे हैं तो हमारी ये जो उंगलियाँ हैं, छोटी मांसपेशियाँ, इनका कार्य हो रहा है, इनका कोऑर्डिनेशन से, इनके सहयोग से कोई कार्य हो रहा है। ये छोटी मांसपेशियाँ हैं, हमारी जो दो उंगलियाँ हैं, एक अंगूठा है, इसके अनुसार हम इसको पकड़ रहे हैं, इसमें छोटी मांसपेशियों का कार्य हो रहा है, हम लिख रहे हैं कोई चीज़ तो छोटी मांसपेशियों का काम हो रहा है, सूक्ष्म गतिक कौशल कहलाया। ड्राइंग कर रहा है कोई, मान लो कोई फिगर बना रहे हैं, तो छोटी मांसपेशियों का काम हो रहा है, तो क्या हुआ, सूक्ष्म गतिक कौशल। चित्र बनाना, चित्र बना रहे हैं तो भी छोटी मांसपेशियों का काम हो रहा है। शर्ट की बटन बंद करना, ये शर्ट है, इसकी बटन बंद करना, तो इन दोनों उंगलियों के सहारे से हम बटन को बंद कर रहे हैं, अर्थात छोटी मांसपेशियों का प्रयोग कर रहे हैं। या जब बॉलिंग करते समय जब हम स्पिन करते हैं कोई चीज़, जैसे हम बॉलर होता है उसमें दोनों का प्रयोग होता है, जब कोई व्यक्ति बॉलिंग करता है तो क्या होता है, दौड़ के आता है, तो जो दौड़ता है वो क्या हो गया, बड़ी मांसपेशियाँ हो गई। जो अपने हाथों को घुमाता है, बड़ी मांसपेशियाँ हो गई। लेकिन जब बॉल को स्पिन करता है, स्विंग करता है इन मांसपेशियों की सहायता से, उंगलियों की सहायता से छोटी, इसे क्या कहते हैं, सूक्ष्म गतिक कौशल। क्योंकि बॉलिंग करने में दोनों मांसपेशियों का प्रयोग होता है, एक तो स्थूल गतिक कौशल का जिसे ग्रॉस मोटर स्किल कहते हैं, दूसरा फाइन मोटर स्किल सूक्ष्म गतिक कौशल का। जब वो दौड़ के आता है और हाथों को घुमाता है तो बड़ी मांसपेशियों का काम हो रहा है, जिसे हम ग्रॉस मोटर स्किल कहते हैं, जिसे हम सूक्ष्म गतिक कौशल कहते हैं। लेकिन जब वो बॉल को स्विंग करने के लिए, स्पिन करने के लिए अपने हाथों को, कलाइयों को घुमाता है, अपने उंगलियों के सहारे से बॉल को काटता है, स्पिन करता है, वो छोटी मांसपेशियों का प्रयोग कर रहा है। अर्थात बड़े आसान भाषा में समझ सकते हैं कि जो चलना होता है, दौड़ना होता है, बैठना होता है या सीढ़ियों पर चढ़ना होता है, वो किसके अंतर्गत आएगा, ग्रॉस मोटर स्किल के अंतर्गत आएगा। और जो हम अपने शर्ट का बटन बंद करते हैं, अपने जूते की फीते बांधते हैं,
और लिखते हैं, चित्र बनाते हैं, किसके अंतर्गत आएगा? फाइन मोटर स्किल के अंतर्गत आ जाएगा। इज दैट क्लियर? शारीरिक विकास में ये दो पहलू सम्मिलित हैं। ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। दूसरा जो हमने देखा था वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट जिसे हम संज्ञानात्मक विकास, विकास कहते हैं। संज्ञानात्मक संज्ञान अर्थात वह वातावरण से प्राप्त ज्ञान को ही हम क्या कहते हैं? संज्ञान कहते हैं। और इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा? हमारी बुद्धि आ जाएगी, हमारी तर्क शक्ति आ जाएगी, हमारा चिंतन आ जाएगा, हमारा चिंतन आ जाएगा, हमारी स्मृति आ जाएगी। किसके अंतर्गत आएगी? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये सब क्या है? मानसिक विकास ही तो है। ये सब क्या है? मानसिक विकास। अर्थात संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत सारी की सारी मानसिक क्रियाएं आ जाएंगी, जैसे हमारी बुद्धि हो गई, हमारी तर्क शक्ति हो गई, हमारा चिंतन हो गया, हमारी स्मृति आ गई, हमारी कल्पना करने की शक्ति आ गई। ये सब क्या है? संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आ जाएंगी। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं। और सॉरी, इसी के अंतर्गत क्या आ जाएगा? हमारा भाषाई विकास, भाषाई विकास जिसे हम लैंग्वेज डेवलपमेंट कहते हैं। भाषा का विकास, भाषा का विकास कैसे होगा? हमारी बुद्धि से होगी, हमारे चिंतन से होगी ना। भाषा का विकास शारीरिक पहलू थोड़ी है कि शारीरिक का प्रयोग करते कि भाषा अपने आप आ गया। नहीं, हमारी लॉजिक लगता है, हमारा दिमाग लगता है किसी भाषा को अचीव करने के लिए। इसलिए क्या होगा? भाषा का विकास होता है। भाषा विकास में क्या होगा? LSRW जिसे हम लिसनिंग कहते हैं, रीडिंग कहते हैं, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ये भाषाई कौशल है। बालक पहले सुनना सीखता है, फिर बोलना सीखता है, फिर पढ़ना सीखता है, फिर लिखना सीखता है। ऐसा नहीं है कि इस कुछ स्किप करके छोड़ के बालक यहाँ पे पहुँच जाएगा, सुनने के बाद डायरेक्ट लिख देगा। नहीं, एक क्रम होता है। हमने पहले ही बताया, विकास जो होता है, विकास का एक क्रम होता है, एक सिक्वेंस में होता है। बालक पहले सुनना सीखता है, फिर बोलना सीखता है, फिर पढ़ना सीखता है, और फिर लिखना सीखता है। इसमें सारी भाषा का विकास, भाषा का विकास किस में हो जाएगा? संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आ जाएगा। अगर इस भाषा को अगर हम समाज से हटा दें, देखो जो समाज होता है, समाज और यहाँ पे व्यक्ति हो गया, व्यक्ति, इन दोनों के बीच में जो लेन देन करता है, जो संप्रेषण का माध्यम होता है, वो क्या होती है? भाषा होती है। अगर भाषा को यहाँ से अगर हटा दिया जाए तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? शून्य पड़ जाएंगे। क्योंकि भाषा ही होती है जो समाज और व्यक्ति के बीच में लेन देन करती है, संप्रेषण करती है, सूचनाओं का आदान प्रदान करती है। तो भाषा का विकास किसके अंतर्गत आ जाएगा? सामाजिक, संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आ जाएगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तीसरा आता है सोशल डेवलपमेंट। जिसे हम क्या कहते हैं? सामाजिक विकास, सामाजिक विकास। इसके अंतर्गत भी दो चीज़ें आती हैं। पहला कौन सा विकास है? जिसे हम नैतिक विकास कहते हैं, नैतिक विकास। और दूसरा जो है वो भावात्मक या संवेगात्मक विकास। मोरल डेवलपमेंट और ये इमोशनल डेवलपमेंट। सामाजिक विकास, सामाजिक विकास में क्या तात्पर्य क्या होता है? समाज में रहकर। सामाजिक विकास का तात्पर्य क्या होता है? इसका तात्पर्य समाज की जरूरतों, मूल्यों, मानदंडों के अनुसार खुद को समायोजित करने से है। इसका जो तात्पर्य होता है, कोई बालक या व्यक्ति को समाज के नियम, मानदंड और मूल्य, धर्म, संस्कृति के अनुसार खुद को समायोजित करने से है, जिसे क्या कहते हैं? सामाजिक विकास। बालक अगर समाज में रहता है तो समाज के कुछ नियम होते हैं, कुछ कायदे कानून होते हैं, कुछ उसके वैल्यूज़ होते हैं, कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ कल्चर होते हैं, कुछ उसके रिलीजन्स होते हैं, जिसको किसी व्यक्ति को मानना पड़ता है। अगर ये व्यक्ति
इस समाज के नियमों को मानता है तो क्या होगा, वह नैतिक होगा। अगर वह इस नियम को नहीं मानता है तो क्या होगा, वो अनैतिक होगा, जिसको समाज से क्या कर दिया जाएगा, बॉयकॉट कर दिया जाएगा, बहिष्कार कर दिया जाएगा। तो सामाजिक विकास के अंतर्गत नैतिक विकास हुआ, उसका भावात्मक विकास संवेगों का विकास होगा, उसके इमोशंस का विकास होगा। बालक यहाँ पे क्रोधी होना सीखेगा, यहाँ पे रोना सीखेगा, यहाँ पे बालक रोना तो पहले ही सीखता है क्योंकि जनरल एक्साइटमेंट होता है, यहाँ पे क्रोधित होना सीखेगा, हंसना सीखेगा, हर चीज़ सीखेगा। इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे अगर किसी बालक का जन्म हुआ, दो बालक हुए, एक को समाज के संपर्क में रख दो, एक को किसी अंधेरे कमरे में रख दो। अब यहाँ पे जिसको समाज के संपर्क में रखे हो, इसको 7 साल बाद बाहर निकालो, इसको भी 7 साल बाद बाहर निकालो, जिसको आप अंधेरे कमरे में रखे हो। अब आपको इसमें दोनों में बहुत परिवर्तन देखने को मिलेगा। 7 साल बाद जब इस बालक को एक साथ रखोगे, तो ये बालक बोलना सीख जाएगा, हंसना सीख जाएगा, बातें करना सीख जाएगा, उसके समाज के नियम सीख जाएगा। लेकिन ये बालक ना तो बोलना सीख पाएगा, ना तो समाज के नियम सीख पाएगा, और ना ही हंसना सीख पाएगा। इसमें भाषा का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, भाषा का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन बालक यहाँ पर भाषा में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेगा। अर्थात जो बालक होता है उसको समाज से अंतःक्रिया करने के बाद पूरे ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। लेकिन अगर इस बालक को समाज से हटाकर कहीं अलग कमरे में रख दिया गया, उसका कोई भी विकास नहीं होगा, ना तो सामाजिक विकास होगा, ना तो संज्ञानात्मक विकास होगा, ना ही उसका शारीरिक विकास हो भी होगा, लेकिन बहुत अच्छी ढंग से शारीरिक विकास भी नहीं होगा। इसलिए किसी व्यक्ति को या बालक को समाज के संपर्क में इसलिए रखा जाता है क्योंकि उसका अच्छे तरीके से उसका विकास हो जाए। तो जो सोशल डेवलपमेंट होता है उसके अंतर्गत नैतिक विकास आ जाता है। नैतिक विकास में बालक क्या होता है, सही तथा गलत का निर्णय लेने में सक्षम हो जाता है। भावात्मक विकास, उसमें संवेगों का विकास हो जाता है, वो अपने संवेगों पर नियंत्रण कर लेता है। ऐसे समझ सकते हैं, जब एक बालक होता है वो 5 साल का बालक है या 7 साल का बालक है, जो उसके टेस्ट हुए और टेस्ट में उसके नंबर कम आए, तो क्या करता है, रोने लगता है। ऐसा लगता है दुनिया ही लूट गई, बर्बाद हो गया, कुछ नहीं बचा उसके पास, वो रोने लगता है। लेकिन अगर यही बालक किसी और अवस्था में पहुँचता है, 15 साल की उम्र में पहुँचता है, अगर वो 10वीं में फेल भी हो जाता है कक्षा 10 में, तो इस तरह व्यवहार नहीं करता है कि बहुत तेज़ी से तरह से रोने लगे, इस तरह से नहीं होता। यह अपने इमोशन पे कंट्रोल कर लेता है, अपने भावनाओं पर कंट्रोल कर लेता है यहाँ पे बालक। ठीक, तो सामाजिक विकास के अंतर्गत दो चीज़ों को हमने देखा, एक नैतिक विकास, दूसरा भावात्मक विकास। इज दैट क्लियर? ओके, अब हम बात कर रहे हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। विकास की अवस्थाएं, विकास की अवस्थाएं, विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, आइए हम इसको देखते हैं। पहला प्रीनेटल स्टेज, दूसरा इन्फेंसी, तीसरा चाइल्डहुड, चौथी अवस्था एडोलेसेंस। प्रीनेटल स्टेज 9 मंथ बिफोर बर्थ। इन्फेंसी बर्थ टू 2 ईयर, चाइल्डहुड 2 ईयर्स टू 12 ईयर, एडोलेसेंस 12 ईयर टू 18 ईयर। प्रीनेटल स्टेज जिसे हम क्या कहते हैं, गर्भावस्था। इन्फेंसी जिसे हम क्या कहते हैं, शैशवावस्था। चाइल्डहुड जिसे हम क्या कहते हैं, बाल्यावस्था। एडोलेसेंस जिसे हम क्या कहते हैं, किशोरावस्था। प्रीनेटल स्टेज जिसे हम गर्भावस्था कहते हैं, उसकी जो आयु होती है 9 वर्ष तक होती है, जन्म से पहले, सॉरी
9 महीने तक होती है। इन्फेंसी जिसे हम शैशव अवस्था कहते हैं, इसका जो आयु होती है, इसकी जो उम्र होती है, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होती है। तीसरी चीज़ हमने देखा चाइल्डहुड जिसे हम बाल्यावस्था कहते हैं, ये 2 वर्ष से लेकर कहाँ तक होता है, 12 वर्ष तक होता है। और चौथी चीज़ जो अवस्था हमने देखा, वो जो चौथी अवस्था, वो किशोरावस्था होती है जो 12 साल से 18 साल तक होती है। ये कुछ विकास की अवस्थाएँ होती हैं जिसे हम कहते हैं। इसके आगे का इसको हम डिटेल में समझेंगे, लेकिन आज हम सेशन यहीं पे क्लोज करते हैं और अगली वीडियो में हम इसके बारे में, विकास की अवस्थाओं के बारे में पूरी तरह से डिस्कस करते हैं। तो बाय बाय, जय हिंद।